हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ सर्दियों में जो बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं उनको हम किस तरीके से सर्दी से बचाएं, और बार बार जो उनकी सांसें चलने लग जाती हैं, नाक बंद हो जाती है, गले में खर खर की आवाज़ आती है, और आपने देखा होगा कि अगर थोड़ी सी सर्दी लगती है तो बच्चों की ना पसली चलने लग जाती है, तो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स इस चीज़ के लिए परेशान होते हैं और वो डॉक्टर के पास जा जा के परेशान हो चुके हैं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा अपनाएं कि जिससे कि हमारे बच्चा को बार बार डॉक्टर के पास ना जाना पड़े और उसकी जो पसली चल रही है वो भी उनमें रिलैक्स मिल जाए, जो कफ जम गया उनमें उसमें रिलैक्स मिल जाए। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपली कुछ चीज़ें आपको सर्दी स्टार्ट होने से ही, जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं उसी समय उन चीज़ों की आपको प्रिपरेशन कर लेनी है, जिससे कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपका बच्चा सर्दी के कब्जे में आ चुका है और बच्चे को सर्दी लग चुकी है, तो आप उसे इमिडिएटली ट्रीट कर सकते हो, जिससे क्या हुआ कि बच्चे को बहुत ज़्यादा लेवल तक सर्दी नहीं बढ़ेगी। तो डियर पेरेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आपको कौन से ऐसे उपाय करके रखने हैं जिससे कि आपके बच्चे को मतलब सर्दी नहीं लगे, और अगर आप बार बार लगती है तो वो कंट्रोल में रहे। जैसे आपके बच्चे की छाती में कफ जम जाता है, और जैसे मैंने बताया खर खर की आवाज़ है, नाक बंद हो जाती है बच्चे की, तो आपको सिंपली एक चीज़ करनी है। देखिए, एक मैंने वीडियो बनाई थी अजवाइन की पोटली, उसका जो लिंक है मैंने दिया हुआ है, आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक कर उसे अभी देख लीजिए कि किस तरह से पोटली बनानी है। तो आप है ना, जैसे ही सर्दी स्टार्ट हो जाती है तो वो पोटली इस्तेमाल करिए। उसमें करना क्या है कि आपको अजवाइन लेनी है और लहसुन की कुछ कलियाँ लेनी है, उनको आप तवे पे भून लीजिए। भून के एक पोटली बनाकर हमेशा आपने पास रखी, ठीक है। और उस पोटली को आप 3-4 बार यूज़ कर सकते हैं, उसके अजवाइन को बार बार नहीं यूज़ करनी, क्योंकि बार बार यूज़ करने से उसकी जो फ्रेगनेंस और उसकी जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप 2-3 बार उसे यूज़ कर सकते हो, और जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपने 2-3 बार यूज़ कर लिया, उसे फेंक दे, फिर दूसरा आप अजवाइन और लहसुन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक अजवाइन की पोटली बना के रखनी है। कैसे बनानी है उसका लिंक है, आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो बहुत यूज़फुल रहेगी अजवाइन की पोटली, इतनी अच्छी होती है कि आपके बच्चे की ऐसे छाती चल रही है बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है कि बच्चा सकड़ सकड़ की आवाज़ कर रहा है, नाक बंद हो गई है, बलगम भर गया है छाती में, तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल आपके बच्चे के लिए रहेगी। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली जो 0 से 6 मंथ तक के बच्चे होते हैं, उनको हम दवाई तो दे ही नहीं सकते, तो इस तरह से जो होम रेमेडीज़ हैं उनसे हम काफ़ी हद तक बच्चों की सर्दी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो था पेरेंट्स पहला कि आप अजवाइन की पोटली का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप अजवाइन की पोट, जैसे बच्चे की नोज़ बंद हो गई है तो वो अजवाइन की पोटली आप बच्चे के सरहाने रख सकते हैं, तो उसकी जो खुशबू निकलती है उसे बच्चा सूंघता है, तो उससे उसकी जो बंद नाक है वो खुल जाती है, तो ये कर सकती हैं, ठीक है। साथ ही साथ जैसे आपको लग रहा है कि बच्चे की पसली बहुत चल रही है या कफ जम गया है, बच्चा सकर सकर की आवाज़ कर रहा है, उसके लिए आपके लिए आपको मैं दूसरी टिप बताती हूँ कि आप सरसों का तेल लीजिए, क्योंकि उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें आप लहसुन की कलियाँ डाल लीजिए और आप अजवाइन डाल लीजिए, और उस तेल को आप गर्म करके छान लीजिए। छानने के बाद जब भी बच्चा रात को सोता है, सोते समय आप उसकी पीठ पर मालिश करें, अच्छी तरह से पीठ की मालिश करें। जितनी आप पीठ की मालिश करोगे और उसकी चेस्ट की मालिश करोगे, हल्का हल्का इस तरह से आप गर्दन पे लगाओगे और चेस्ट की मालिश करोगे, पीठ की मालिश करोगे, तो जो भी कफ है, बलगम है, खांसी हो रही है, वो धीरे धीरे करके पोटी के रास्ते से वो निकल जाएगा। और जो भी बच्चे की पसलियाँ चल रही हैं, सकड़ सकड़ की आवाज़ आ रही है, उसमें भी काफ़ी हद तक बच्चे को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो आप इस तरीके से 1 cc में तेल बना के ये रख लें, तो बच्चे को कभी भी जो पसली चलने वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, जो बलगम जम जाता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, बच्चे के चेस्ट में से बिल्कुल निकल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आप करके रख सकती हैं। तीसरा चीज़ मैं यहाँ बताऊँगी आपको, कैस्टर ऑयल। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंड लग गई है और बहुत ज़्यादा मीन्स बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, तब आप उनके चेस्ट में कैस्टर ऑयल भी लगा सकते हैं। जैसे अरंडी का तेल बोलते हैं, वो बहुत अच्छा होता है, गर्म तेल होता है, उसको भी आप बच्चे की चेस्ट पर मल सकते हैं, ठीक है। उसके जो तलवे हैं उस पर भी आप उसे मल सकते हैं, लेकिन डेली ऐसा करके अपने बच्चे को सुला देते हो तेल बना के, या कैस्टर ऑयल लगा कर, या सरसों का आप तेल लगा कर, तो उसे बच्चा उस बच्चे को कभी भी सर्दी नहीं लगेगी, और लग भी जाएगी तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो डियर पेरेंट, इस तरीके से आप इन तीनों चीज़ों से अपने बच्चे की सर्दी को काफ़ी हद तक कंट्रोल में ला सकते हैं।
एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप बच्चे की चेस्ट पर आप मालिश करते हो तेल से, जो भी मैंने बताया सरसों का तेल, उसमें लहसुन और अजवाइन डालकर मालिश करने के बाद जो अजवाइन की पोटली है उसे गर्म कर लें, और इतनी गर्म रहे कि बच्चा उसे बर्दाश्त कर पाए, आप उसे बर्दाश्त कर पाए, बहुत गर्म रहे, और हल्के हल्के उसकी चेस्ट पर आपको धीरे धीरे उसको लगाना है, जिससे कि क्या होगी, गर्माहट रहेगी और बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ नहीं होगी। और उस पोटली को आप बच्चे को बीच बीच में सूंघा भी सकते हो, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, ऐसा ना हो कि आप उसकी नोज पे ही रख दो वो जल जाए, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो आप उसको सूंघा सकते हो, उससे क्या होगा उसकी बंधन आकर वो खुल जाएगी, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे की बंधन आँख, बलगम, जमा हुआ बलगम, खांसी, या जो बार बार बच्चों को सर्दी लग जाती है उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा राहत मिलती है, तो ये सारे काम आप अपने बच्चे की सर्दी से बचाने के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और सिंपल उपाय है जो कि बहुत ईजी है, जैसे ही आपको लग रहा है कि बच्चे को सर्दी हो गई और बच्चा खर खर की आवाज़ कर रहा है, इमीडिएटली तेल गर्म करें और उसमें आप सेंधा नमक, जो कि हम व्रत में यूज़ करते हैं, उस सेंधा नमक को आप तेल में गर्म कर लीजिए, और बहुत बारीक होना चाहिए वो नमक, उस तेल को आप बच्चे की छाती पर, नेक पर, पीठ पर अच्छे से मल दीजिए, तो वो भी बच्चे की सर्दी में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, गर्माहट लाता है और बच्चे की सर्दी को वो ठीक करता है। ठीक है, तो आई होप माई पेरेंट्स आपको ये बताई हुई टिप्स पसंद आई हो, और आई होप ये यूज़फुल रहें आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, मैं यही उम्मीद करती हूँ। तो डियर पेरेंट्स, मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।